बिल्डिंग मजदूर यूनियन बिहार, मुन्नाचक चौराहा, कंकड़बाग, पटना, बिहार। आज पटना के विभिन्न क्षेत्रों में मजदूरों की समस्या जो है वो बढ़ती ही जा रही है। कहीं कहीं तो मजदूरों से काम करवाकर उनका बकाया भुगतान भी नहीं होता है। मांगने पर मकान मालिक या बिल्डिंग निर्माता जो है उन्हें जान की धमकी देकर भगा भी देते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं मजदूरों की और बाल श्रमिकों की। इसी विषय पर मई दिवस से पूर्व एक दिन पहले मुन्नाचक में एक बैठक रखी गई है, जिसमें कुछ मजदूर यूनियन के नेता जो है अपने अपने विचार रखेंगे। नमस्ते। आज जो है श्रम दिवस के पूर्व हम लोग बैठक रखे हुए हैं और मजदूरों को बड़ी समस्या है बाल मजदूरी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी समस्या है। यह समस्या हमारे जो है देश में ही नहीं विदेशों में भी आजकल उन लोगों जो है ख़त्म होने नहीं दे रहे हैं जिनकी जवाबदेही है बाल श्रमिकों को ख़त्म करने में। आज आप देखे होंगे कि आप उच्च पद पर बैठे हुए पदाधिकारियों के यहाँ देखेंगे तो बाल श्रमिक जो है उनके यहाँ काम में लगे हुए रहते हैं और तमाम जगह जो है बाल मजदूरी कराया जा रहा है। आप देखते होंगे सभी जगह होटलों में जो है आप बाल मजदूरी देखेंगे, चाय दुकान पर बाल मजदूरी देखेंगे। इस तरह से सभी जगह जो है बाल मजदूरी कराया जाता है और देश में मजदूरों के साथ नाइंसाफी किया जाता है। बहुत सारा जगह जो है आप देखते होंगे कि निर्माण मजदूरों का जो है समस्या दिल्ली में कुछ और है, बिहार में कुछ और है, मनरेगा में कुछ और है। तो ये दो नीति जो है इस देश में चल रही है और जिस तरह से मजदूरों को जो है जिस तरह से जो केंद्र सरकार है जो नीतियां चला रही है उससे समस्या देश में उत्पन्न हो रहा है। आज आप कहते होंगे आतंकवाद, तो आतंकवाद क्यों पैदा ले रहा है? आतंकवाद पैदा लेने का जो है मूल जड़ समस्या जो मजदूरों का गरीबों का समस्या है वो समस्या समाधान नहीं होना, एक आतंकवाद पैदा लेना या नक्सलवाद पैदा लेना इसका ही जड़ है मूल रूप से। ठाकुर जी आप क्या कहना चाहेंगे? कल मई दिवस है मजदूर दिवस और मजदूर दिवस के अवसर पर विभिन्न संगठनों द्वारा पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मई दिवस दुनिया के मजदूरों एक होकर सवाल पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। मैं बिहार का के मामले में मैं कुछ कहना चाहूँगा। बिहार में खासकर के निर्माण मजदूर जो काम करते हैं बहुत लोग काम करवा के पैसा नहीं देते। पटना में बड़े बड़े अपार्टमेंट खड़े होंगे, बहुत बड़े मकान का काम हो रहा है, लेकिन मकान में जो काम करने वाले लोग हैं उनका बहुत लोगों के यहाँ पैसा बकाया रह जाता है। और बिहार का जो ये श्रम संसाधन विभाग है, कहने के लिए तो मजदूरों की बात करता है लेकिन श्रम संसाधन विभाग के पदाधिकारी साइड पर नहीं जाते हैं। मैंने प्रधान सचिव गोपाल मीणा को मैंने कहा कि आपके पदाधिकारी साइड पर नहीं जाते हैं और जो उनके आगे पीछे करता है पदाधिकारियों के आगे पीछे करने वालों को वो लोग उसी के आधार पर मजदूरों को काम भी नहीं मिलता है और मजदूरों का बकाया भी रह जाता है। इसलिए खास करके हम मजदूर दिवस के एक दिन पूर्व हमें कहना चाहेंगे बिहार सरकार के आला अधिकारियों से कि जहां भी मजदूरी हो रहा है जो काम हो रहा है पदाधिकारी को जाना चाहिए। अब देखिए इनका ALU श्रम परिवर्तन पदाधिकारी कहीं दिखाई नहीं पड़ता। मैं राजधानी में रहता हूँ लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि पटना में कौन ALU है, मैं नहीं देखा। तो
तो सवाल है, मैंने गोपाल मीणा को कहा था, मैं नाम लेके इसलिए कह रहा हूँ कि मैं मौखिक रूप में गोपाल मीणा को पाटलिपुत्रा होटल में मैंने कहा था कि आपके पदाधिकारी कार्यस्थल पर नहीं जाते हैं, आपके यहाँ जो आवेदन देता है मजदूर लोग उस आवेदन पर कार्रवाई नहीं होती है और मजदूर लोग दौड़ते दौड़ते परेशान होकर थक जाता है, तो इसलिए हमें कहना चाहते हैं। तो मजदूरों के बीच चूँकि एकता की कमी है और मजदूर एकता को मजबूत करने के लिए भी हम लोगों का अभियान है और तमाम संगठन के लोगों ने यह फैसला किया है कि इस बार जो मई दिवस है कल से हम लोग पूरे बिहार में यह आंदोलन चलाएंगे और सुबह में मई दिवस का आयोजन होगा, इसलिए कि शाम में होता क्या है कि बहुत लोग साइड पर तबाद उधर बिगड़ जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने यह फैसला किया है कि सुबह 7 बजे से पूरे बिहार में चौक चौराहे पर मई दिवस मनाया जाएगा ताकि मजदूरों के बीच जागरूकता फैले। और जो भी बकाया हमें अपील करना चाहते हैं तमाम मजदूरों से जो कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हुए जो निर्माण मजदूर हैं उनसे मेरी अपील है, मैं कहना चाहता हूं कि जिनका भी जो बकाया है वो बकायदा लिस्ट बना के और यूनियन कार्यालय में जमा कीजिए और सरकार से भी हम निवेदन करते हैं कि एक एक करके एक एक सिस्टम के तहत मजदूरों को पैसा मिलना चाहिए, किसी का 10,000, किसी का 5,000, किसी का 2,000, किसी का 1,000, किसी का 500। जहाँ से लोग काम करने के लिए आते हैं चौराहा पर से लोग ले जाते हैं काम करने के लिए, उसको पैसा नहीं देते हैं तो इस तरह से बकाया रह जाता है। तो बकाया मजदूरी का सवाल राजधानी में बहुत बड़ा सवाल है, बड़े बड़े लोग हैं, लोग सोचते हैं कि काम करवा लेंगे पैसा नहीं देंगे तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा, थाना बिका हुआ है। और थाना की जहाँ तक बात है, आज ही की बात है, आज जक्कनपुर थाना में 4 बजे जाना है एक मजदूर के सवाल पर, काम करवा के पैसा नहीं दिया, कहता है कि मेरा ही पैसा निकलता है, तो हमने कहा कि तो ठीक है ऐसा कीजिए कि दोनों को बुलाइए और पूरे बिहार के थानों में जो भी मजदूरी से संबंधित मामला है पूरे बिहार के थानों में हम लोग करेंगे, जितने भी थाने पूरे बिहार में हैं जिन मजदूरों का पैसा बकाया है वो बेहिचक थाना में जाएं और थाना प्रभारी थाना अध्यक्ष और जो भी पदाधिकारी हैं उनको अपनी शिकायत लें, थाना वाले पल्ला झाड़ लेते हैं बहुत सारे, बहुत मामले में कहा गया है ये तो लेबर डिपार्टमेंट का मामला है, श्रम संसाधन विभाग का मामला है और श्रम संसाधन विभाग का ये हाल है कि वहाँ जो पिटीशन दिया जाता है बहुत सारे पिटीशन गायब हो जाते हैं, अभी जो गायब करवा दिए जाते हैं, गायब कर दिए जाते हैं, ये रजिस्ट्रेशन का जो मामला है मजदूरों का निबंधन नहीं हुआ और कई करोड़ 93% जो असंगठित मजदूर हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होना है उसमें लगता है 105% अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और सरकार अभी रजिस्ट्रेशन बंद है। मैं पूरे बिहार की बात है, मैं खास करके पटना में की बात कर रहा हूँ और पूरे बिहार की से जब पटना का ये हाल है तो पूरे बिहार की बंद है पदाधिकारियों को। और एक बात और हम कहते हैं श्रम संसाधन विभाग के पदाधिकारियों के जमीन मकान संपत्ति की गोपनीय जांच होनी चाहिए और अगर हो सके तो CBI उसकी जांच करे कि ये लोग जब बहाल हुए थे तब इनके पास कितनी संपत्ति थी, आज ये जब नौकरी कर रहे हैं तब इनके पास कितनी संपत्ति है, जांच होना चाहिए। और अभी जमीन के नाम पर मकान के नाम पर फ्लैट के नाम पर ये जो गुंडागर्दी हो रही है पूरे बिहार में और पूरे देश में, इसलिए और भारत सरकार की योजना कहने के लिए तो मजदूरों की भारत सरकार की योजना है बिहार सरकार की योजना है लेकिन जमीन पर योजना कहीं दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए हम कहना चाहते हैं मजदूर दिवस के अवसर पर एक दिन पहले हम कहना चाहते हैं कि पूरे देश के पैमाने पर और पूरे बिहार के पैमाने पर जिन मजदूरों का जो पैसा बकाया है और सरकार की जो योजनाएँ हैं वो सही मामले में मजदूरों के पास पहुँचे। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं और दूसरे साथी अपना बात। मुखिया जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। अभी हमारे बिहार मजदूर यूनियन के महासचिव शिवजी भाई हमारे रामाशी जी हैं दर्जी हैं, कल मजदूर दिवस है, कल मजदूर दिवस के अवसर पर हम लोग 2-3 फैसला लेने जा रहे हैं कि हमारा बिहार या हमारा हिंदुस्तान जो कि मजदूर के बिना नहीं चल सकता है, भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो या श्रम संसाधन विभाग के माननीय मंत्री हो, हमारा मजदूरों के साथ एक नीति होनी चाहिए जो
जो भारत सरकार का पैसा मजदूरों को मिलता है, बिहार सरकार का भी पैसा मजदूरों को मिलना चाहिए, बिहार में मिलना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारे कामगार ब्रीडिंग मजदूर यूनियन है, एक निर्णय हम लोग लेने जा रहे हैं, चाहे वो बिल्डिंग में काम करने वाले लोग हों, काम करवाने वाले लोग हों, या खुदरा काम करने वाले लोग हों, ये हमारे संस्थान से, हमारे कार्यालय से वो निबंधन करा कर करके एक एग्रीमेंट करें, ताकि कल का डेट में पता चले एक अपार्टमेंट बनाने वाले लोग हमारे मजदूरों का कितना पैसा बाकी रख रहे हैं। बराबर हमारे मजदूरों के साथ तनाव पैदा होती है, उसके लिए बार बार हमारा थाना से लेकर के हर जगह हमारे मजदूर का शोषण किया जा रहा है। कहीं कहीं तो मजदूरों को बकाया मांगने को मार भी जाता है, शोषण किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में एक परिस्थिति बनती है, इतने मजदूर हमारे गायब हो जाते हैं। ये मैं कल की आज पूर्व संध्या के मजदूर दिवस के पूर्व संध्या के अवसर पर मैं कल एक निर्णायक संगठन की ओर से लेने जा रहे हैं, चाहे बिहार के किसी कोना में और खास करके राजधानी में जो बड़े बड़े अपार्टमेंट बनाने वाले लोग हैं, जब तक हमारी मजदूर यूनियन से हमारा संपर्क नहीं करते हैं, उनका बिल्डिंग का काम नहीं होगा, हमारे मजदूर का बाकी बकाया रह जाता, हत्या कर दी जाती है, ये खेत का विषय है। दूसरे शब्दों में कहना चाहता हूँ, हमारे भाई साहब ने बड़ा आतंकवाद की बात उठाया, हमको पेट भरेगा, हम चोरी नहीं करेंगे। सरकार से हमारी मांग है कि हमारा जो व्यवस्था है सरकार, ये बिहार सरकार का हो या भारत सरकार का हो, वो हमारा व्यवस्था एक सबको मजदूरी होनी चाहिए। दूसरी बात, एनडीए के बारे में इन्होंने कहा, ये बात खेत का विषय है। बिहार का चाहे प्रखंड स्तर हो, चाहे जिला स्तर का लोग हो, एनडीए हो, इंस्पेक्टर रैंक के लोग हों, आज भी जो मजदूरों का निबंधन होना है, बिहार में कितना मजदूर, असंगठित मजदूर, कामगार मजदूर या हमारे ट्रेड यूनियन के जो हमारे मेंबर हैं, वो आज भी हमारे बहुत सारे लोग में मजदूर हैं, उनका निबंधन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इसीलिए सरकार की जो वहाँ बैठे हुए कर्मचारी हैं, वो हमारे लोगों को जो अज्ञान, गांव गमाई में रहने वाले जो लोग हैं, खेत खलिहान में काम करने वाले जो मजदूर लोग हैं, उन्हें जानकारी नहीं है, जिसके कारण वो निबंधन नहीं कर पाते हैं। सरकार श्रम संसाधन विभाग का नियम है कि अगर हम आपके यहाँ निबंधन करेंगे तो कुदाल के लिए, हसुआ के लिए, खुरपी के लिए, यंग के लिए 15,000 रुपये हमको सरावान देगी, उसके बाद हमको जैसे 60 साल होती है, हमको वृद्धा पेंशन बनाने के लिए हमको किसी तरह आवेदन देने की जरूरत नहीं है, वृद्धा पेंशन सरकार स्वतः बना देगी। उसके बाद एक्सीडेंटल में हमारा 30,000 रुपया मिलता है, अगर मृत्यु हो जाती है तो मुझे 1,00,000 रुपया बिहार सरकार की ओर से मिलता है। ये सारे कुंडली मार के बैठे हुए इंस्पेक्टर अगर ये चाहते तो आज हमारे पूरे बिहार में जो 8 करोड़ की आबादी है, 8 करोड़ की आबादी में कम से कम हमारा 4 करोड़ मजदूर का निबंधन होता है बिहार में। ये लोग जानबूझ करके हमारे मजदूरों के साथ अन्याय कर रहे हैं, ताकि सरकार के पैसा उनके खजाना में नहीं जाए। मैं आज के ये पूर्व संध्या के अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि 2-3 चीज़ हम लोग नए ले लिए हैं, अब पर इसको हम लोग घोषणा करेंगे। कामगार मजदूर बिल्डिंग की ओर से जो भी अपार्टमेंट बनाने वाले लोग हैं, पहले हमारे संस्थान से, हमारे निबंधन संस्थान से एग्रीमेंट करें, वहाँ 10 मिस्त्री, 20 मिस्त्री, 50 लेबर जो भी लगेगा उनको दिया जाएगा, ताकि कल के डेट में मजदूरों का समस्या के पैसे की भुगतान न हो। और आज हमारा जो मजदूर माने प्लान कर करके यहाँ आते हैं या काम करते हैं, और से व्यक्ति को समस्या निदान हो सके। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सर दुलारचंद रजपुआ। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप बोलेंगे कल थोड़ा सा, ऐसे तो हमारे साथी सर बहुत कुछ जानकारी आपको दी है, लेकिन हमको पूरा खेद है, श्रम विभाग पर एक ढिंढोरा पीट दिया है कि श्रम विभाग में निबंधन होना है, और निबंधन के काम होता नहीं है, और इसके चलते लेबर मजदूर जो भी निर्माण में जो लगे हुए हैं दौड़ते दौड़ते परेशान रहता है, इसमें पूरा घुसखोरी घुसा हुआ है। श्रम विभाग में जो भी काम करता है, जो लोग हुआ है, उन लोगों का पैसा मिला है, और बहुत लोग ऐसे दौड़ते दौड़ते परेशान है, कभी कभी स्टेट
कभी रजिस्ट्रेशन करा के कभी बैंक से खाता नंबर कभी कुछ कभी कुछ बेचारा जमा करता फिर भुला जाता है वहाँ फिर से कुछ काम ही नहीं हो पा रहा। श्रम विभाग खाली नाम खाली है ढकोसला खाली हवा उड़ा दिया कि हम ये काम करेंगे मजदूरों के हित के लिए औजार के लिए हम इतना राशि देंगे और फिर इसके बाद जब 60 बरस हो जाएगा उसको पेंशन लागू करेंगे। ये क्या करेगा नहीं करेगा पहले तो जो निबंधन वाला काम है पहले ये जो औजार पाती वाला देने वाला ये पहले दे तभी ना मरने वाला के तो कितना बेचारा मर गया उसको कुछ लिखते नहीं आए सरकार उसको दे नहीं पाता है। कम से कम श्रम विभाग में निबंधन हो जाए तभी ना कुछ हो पाएगा। निबंधन शुल्क भी है क्या? शुल्क है 20 रुपये 22 रुपया सालाना। आपको सलाम। मेरा नाम हुआ राजा राम सिंह लेबर को। अच्छा शिवजी प्रसाद सिंह ये बताइए कि बिहार में जो बहुत सारे जो मजदूर हैं उनके अधिकारों का भी हनन हो रहा है तो उनके अधिकारों की रक्षा कैसे होगी? उनकी अधिकारों की रक्षा तब होगी जब मजदूर लोगों जो है एकता बनाने की जरूरत है। आज श्रम दिवस के पूर्व संध्या मुरमाए उन मजदूरों को मैं नमन करना चाहता हूँ जो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ा था शिकागो शहर में और अपनी आज़ादी प्राप्त किया था। ठीक उसी तरह से एक दूसरी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ना होगा अपने अधिकार के पाने के लिए संघर्ष करना होगा और जब तक संघर्ष नहीं करेंगे और तब तक अधिकार अपना नहीं मिलेगा। आज मजदूरों को जो है जिस तरह से मजदूर लोग को शोषण हो रहा है इस तरह से मजदूरी मारी जा रही है उसका एक कारण है कि मजदूरों में जागृति का कमी आ गया है। अगर जिस दिन मजदूरों में जागृति की कमी दूर हो जाएगी और अपना अधिकार को जानना चाहेगा तो निश्चित तौर पर जो है आप देखे होंगे कि मजदूर ही सुई से लेकर जहाज बनाने का काम करता है और इस देश का विकास करने में बहुत अहम योगदान रहता है। बिना मजदूर के देश का विकास करना संभव नहीं है। कड़ी से कड़ी मेहनत करने वाला काम जो है मजदूर ही करता है। आप देखे होंगे एक से एक इमारत एक से एक पुल पुलियाँ एक से एक सारा चीज़ बनाने का काम किया है लेकिन मजदूरों का हाल ही इस देश में इस तरह से है जिस तरह से जानवरों के तरह है। आप देखे होंगे कि आप बिहार में ही ले लीजिए बिहार के कई जिलों में आप जाएंगे तो जिस तरह से मजदूर जो है गाय भैंस का हाट लगता है उस तरह से मजदूर लोग जो है अपना श्रम बेचने के लिए हाट लगाते हैं और श्रम बेचने के लिए और लगाकर और जो है बेचने का काम करते हैं। उनके लिए कोई समस्या नहीं है ना शुल्क है ना शौचालय है ना पीने का पानी है और रहने को घर भी नहीं रहने के लिए घर भी नहीं है। किसी तरह से सड़क पर रहते हैं झोपड़ियाँ में रहते हैं और श्रम संसाधन विभाग में या कल्याण बोर्ड में कागज़ पर बहुत सारा चीज़ बना हुआ है उनके लिए लेकिन मिलता है कुछ नहीं। तो ये सब लेने के लिए मजदूरों को आंदोलित करना होगा मजदूर के एकताबद्ध होना पड़ेगा और बिना एकताबद्ध के मजदूरों को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसके लिए हम लोग एकताबद्ध करने का काम संगठन के द्वारा करेंगे और आंदोलन की रणनीति बनाएंगे और दुधारू रूप से इसका संघर्ष किया जाएगा और दूसरी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा जाएगा। इसी मोहल्ले में जैसे चितगुप्त नगर है वहाँ भी किसी बहुत सारे ईमानदार और सीधे साधे ठेकेदार को मजदूरों के साथ भगा दिया जाता है वहाँ के दबंग लोगों के द्वारा मोहल्लेवासियों द्वारा। बहुत जगह जो है जो पेटी ठेकेदार होते हैं वो जो है मजदूरों को लेकर अपने साथियों को लेकर काम कराने का काम करते हैं और जैसे ही उनका काम ख़त्म होने लगता है उनका जो है मानसिकता जो है बदल जाती है बेईमानी करने का मन बना लेते हैं और मारपीट करके उन लोगों को भगा दिया जाता है और ये सोचते हैं कि चलिए क्या करेगा ये लोग मजदूर गरीब लोग है राइफल दिखाकर बंदूक दिखाकर उसे भगा दिया जाता है। इस तरह से सैकड़ों जगह इस तरह का मामला हमारे संगठन में आते रहता है और उसका हम लोग देखने का काम करते हैं। कहीं कहीं तो उसे काम करने भी नहीं दिया जाता है भगा दिया जाता है कि भागो यहाँ से नहीं तो गोली मार देंगे तुमको। बहुत जगह सारा समस्या इस तरह से है बहुत समस्या से जूझ रहा संगठन उसके लिए प्रयत्नशील है लेकिन सभी जगह संगठन
नहीं पहुंच पाता है, बहुत जगह शोषण हो रहा है, जहाँ तक हमारी पहुंच होता है वहाँ तक समस्या को समाधान करने का काम करते हैं, जहाँ पर नहीं पहुंच पाते हैं वहाँ शोषण जारी। धन्यवाद। ये रामासिंह ठाकुर जी ये बताइए कि आज राजधानी पटना में भी बहुत सारे श्रमिकों का शोषण हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, और कई सीधे साधे ईमानदार ठेकेदार मजदूरों के साथ जाते हैं इस भीषण गर्मी में भी काम करने को, तो वहाँ मोहल्ले के जो दबंग लोग हैं, दबंग जाति के जो लोग हैं, उन्हें धमकी देकर पिस्टल दिखा के भगा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है कैसे मजदूरों के अधिकारों की रक्षा हो और वो अपना काम करें, ताकि वो घर में कुछ कमा कर लाए तो उनके घर के बच्चे और पत्नी जो है दो रोटी सूखी रोटी भी खा सके कम से कम। वैसे तमाम अन्यायी जो जुल्म करते हैं उनके खिलाफ हम लोग सर्वेक्षण अभियान चलाएंगे, और जिस मोहल्ले की शिकायत मिलेगी कि मजदूरों के साथ बदसलूकी किया है, और उसको भी हम लोग निशाना बनाएंगे और उसके मकान पर हम लोग चढ़ने का काम करेंगे, उनको शांतिपूर्ण ढंग से शांतिपूर्ण और अहिंसा के रास्ते जो महात्मा गांधी का जो सिद्धांत है उसके सिद्धांत के तहत वैसे लोगों के मकान को हम लोग घेरेंगे, और 1 मई से हम लोग अभियान करेंगे कि जिनके पास पैसा बकाया है, जो मकान मालिक के यहाँ अपार्टमेंट के यहाँ, हम सभी लोगों को ये आदेश देंगे कि उनके मकान को घेरो और शांतिपूर्ण ढंग से और धरना प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि पूरे क्योंकि राजधानी में व्यापक पैमाने पर निर्माण का काम हो रहा है और हम लोगों को पता नहीं चलता है, एक दुक्का आदमी का के बारे में पता चलता है और उसके बाद हम लोग उस पर एक्शन करते हैं, और तमाम लोगों के आह्वान करना चाहते हैं मई दिवस के पूर्व हमें कहना चाहते हैं कि जो कोई भी अन्याय करे, कोई हो, उसके खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से सत्य और अहिंसा के मार्ग से गांधी जी के सिद्धांत पर उसके मकान को घेर लो और बकाया मजदूरी वसूल लो, और प्रशासन को भी हम कहना चाहते हैं कि आप उन वैसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि यहाँ लाखों की संख्या में लोग जो मजदूर हैं उनका शोषण हो रहा है, और कोई एजेंसी नहीं है, भारत सरकार की एजेंसी और बिहार सरकार की एजेंसी केवल कागज पर काम कर रही है, और सब कुछ ठीक ठाक है, आप किसी भी पदाधिकारी से बात कीजिए कहेगा सब ठीक ठाक चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है। अभी जो है इसमें बहुत सारे एनजीओ लोग भी लगे हुए हैं, तो एनजीओ के नाम पर हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, लगे हुए हैं ठीक है लगे रहें, लेकिन जहाँ मजदूरों के हक हकूक की बात है उसके लिए ईमानदारी से काम करना चाहिए, नहीं तो अगर नीचे वाले से नहीं डरते हैं तो ऊपर वाले से नीचे डरिए, यही बात है। बिहार के श्रम मंत्री श्री विजय प्रकाश जी है, वो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए क्यों नहीं ध्यान देते हैं? विजय प्रकाश जी ने तो जो भाषण किया बहुत अच्छा भाषण किया प्रोग्राम में, बाल श्रम उन्मूलन के लिए जो प्रोग्राम था उसमें विजय प्रकाश ने भाषण तो अच्छा किया, लेकिन सवाल है हम विजय प्रकाश को भी कहना चाहते हैं कि आप तो पदाधिकारी साइट पर क्यों नहीं जाते हैं, आप पता कीजिए कि आपका कौन कौन पदाधिकारी प्रतिदिन कौन कौन साइट पर जाता है, ये जो ऑनलाइन सिस्टम किया आपने कि मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होगा ऑनलाइन, ये ऑनलाइन और बेकार हो गया। मजदूर को क्या आता है कंप्यूटर चलाने के लिए? मजदूरों को गुर्बत बनाने के अलावा ये कोई ऑनलाइन सिस्टम जो है मजदूरों को बेवकूफ बनाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। जिसको कहरा नहीं आता है उसको रामायण और महाभारत और मनोहर पोथी आप पढ़ने के लिए कह रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन सिस्टम से मजदूरों का भला होने वाला नहीं है, मैनुअल करना पड़ेगा, एक एक मजदूर से जाके बात करना पड़ेगा और बात करने के बाद कोई रणनीति बनाना पड़ेगा, ऑनलाइन सिस्टम से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम देख रहे हैं पूरे देश के पैमाने पर ऑनलाइन सिस्टम से, क्योंकि कंप्यूटर हमारे लोगों पर है, हमारे लोगों को पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं रहा, पढ़ने का उम्र भी नहीं है, सीखना भी मुश्किल है, आप उसको जो है नया नया वैज्ञानिक बात बताइएगा, कंप्यूटर की बात बताइएगा, तो जिनको ककहरा नहीं आता उनको किताब कहाँ से समझ में आएगा, इसलिए ऑनलाइन सिस्टम जो है पूरे हिंदुस्तान में एक मजदूर विरोधी सिस्टम इसको हम लोग मानते हैं, क्योंकि जो काम होता है उसको ऑनलाइन सिस्टम से मतलब नहीं है, और उनका भला नहीं तो हमें कहते हैं जाँच बिठा लो, ऑनलाइन सिस्टम से कितने मजदूरों का भला हुआ है, किसी भी चौक चौराहे पर आकर के पता करो, एक शोध का विषय है। मैं तमाम समाज के बीच सामाजिक लोगों से कहना चाहता हूँ जो मजदूरों के बीच काम करते हैं उनसे हम कहना चाहते हैं कि आप शोध कीजिए कि जो ऑनलाइन सिस्टम के गुड़बक को हाईकोर्ट दिखा रहे हैं, जिसको पैदल चलने का हिम्मत नहीं है उसको आप दौड़ने के लिए कह रहे हैं,
कितने मजदूरों का भला हुआ है ऑनलाइन सिस्टम से, खास करके निर्माण मजदूरों का तो कोई भला नहीं हुआ ऑनलाइन सिस्टम से। कहने के लिए, सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हम आसमान पर जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं। यान छूट गया, कौन यान छूट गया, वैज्ञानिक का वैज्ञानिकों ने यह किया वो किया, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है, आज नहीं तो कल ज़मीनी हकीकत से रूबरू होना पड़ेगा। और ऑनलाइन सिस्टम से मजदूरों का भला नहीं होने वाला है, तो यह मई दिवस के पूर्व हम कहना चाहते हैं। इसलिए मैनुअल सिस्टम ही सबसे बेहतर सिस्टम है। मैनुअल सिस्टम के तहत ही अभी तक मजदूरों का, अभी देखिए एक राशन कार्ड जब आप मजदूर को नहीं दे सकते हैं, जहाँ भी मैं जाता हूँ, झोपड़ियों में जाता हूँ, मजदूर लोग कहते हैं हमारे पास राशन कार्ड नहीं। बिहार में राशन कार्ड बंद है, पहले जो राशन कार्ड था सब कैंसिल हो गया और नए सिरे से राशन कार्ड बन नहीं रहा है। आप देखते होंगे भीड़ लगती है राशन कार्ड बनवाने के लिए, घूस भी देना पड़ता है, घूस भी देना पड़ता है। और जो है राशन कार्ड बना ही नहीं है और करोड़ों लोगों का आबादी जो है राशन से वंचित है, पूरे देश में वंचित है, पूरे देश ही नहीं बिहार में तो खैर है ही है। राजधानी में आप पता कीजिए, एक आयोग बैठ जाए जांच के लिए, किस मोहल्ला में कितना राशन कार्ड आपने, कितने लोगों का राशन कार्ड बनाया। तो ये सब धोखाधड़ी चलने वाला नहीं है, इसलिए ऑनलाइन सिस्टम और ज़्यादा कागज पत्र। अभी देखिए हर आदमी मजदूर जो है कार्ड के चक्कर में पड़ा हुआ है, कोई राशन कार्ड खोज रहा है, कोई स्मार्ट कार्ड खोज रहा है, आधार कार्ड, कोई आधार कार्ड खोज रहा है। तो कार्ड का जो बवाल है, कार्ड का जो झमेला है, यार बर्बाद कर रहा है। कोई पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, अरे राशन कार्ड का ठिकाना नहीं है। और आप पैन कार्ड, अवतार, आधार कार्ड, बड़ी बड़ी बातें। इस देश में जो कमज़ोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, इनको गुर्बक को हाईकोर्ट दिखाने के समान है। इसलिए मैनुअल सिस्टम लागू हो। हमारे यहाँ पढ़े लिखे बेरोजगार लोग हैं, जो नौजवान लोग हैं, उन्हीं लोगों को दे दीजिए। आपके यहाँ पूरा डाटा है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जो लड़के लोग पास किए हैं उन्हीं को आप इस सर्वे के काम में लगा दीजिए। वो घर घर में जाकर मजदूरों का संरक्षण करेंगे, उनको आप देते हैं, उनको जो है मजदूरी दीजिए और उनसे काम कराइए, तो इस तरह से उनकी बेरोजगारी का भी समस्या का समाधान होगा। आपने तो किसी को बहाल किया नहीं, अभी एक भी आदमी को बहाल नहीं किया, न तो केंद्र सरकार ने किया और न तो बिहार सरकार ने किया। और ऑनलाइन करते मजदूरों को केवल भटका रहे हैं, केवल बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। इसलिए मई दिवस के अवसर पर हम बेरोजगारों से भी अपील करना चाहते हैं कि सरकार पर भी दबाव डालना चाहिए। और तमाम बेरोजगार नौजवान लोग, जो अब हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा युवा भारत है, 65 करोड़ व्यक्ति यहाँ का युवा लोग, लेकिन प्रधानमंत्री जी युवा लोगों का मजाक अब कब तक उड़ाइएगा। आपने एक भी युवा की बहाली नहीं की, आपने अगर किया है तो बताइए। अभी स्किल का मामला है, स्किल डेवलपमेंट, स्किल, और जो स्किल आदमी है वो बेचारा भटक रहा है स्किल के नाम पर, पूरे जो है लूटपति है पूरे भारत में स्किल के नाम पर। स्किल का जमाना, अरे भैया क्या स्किल का जमाना है। तो ये सब धोखाधड़ी नहीं चलेगा, सही माने में ज़मीनी पर काम करना पड़ेगा। और जिस देश में जब करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, तो हर हाथ को काम चाहिए, हर को रोजी रोटी चाहिए। तो कोई काम अगर नहीं है तो कम से कम मजदूरों के सर्वेक्षण नहीं करा दीजिए, ताकि घर घर जा कर के बेरोजगार लोग मजदूरों का सर्वेक्षण करें और उसके बाद उनको आप पे कीजिए सरकार के खजाने से। और इस तरह से जो कीजिएगा केवल हवाबाजी नहीं चलेगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं मई दिवस मजदूर दिवस के पूर्व हमें कहना चाहते हैं, मजदूरों को भी कहना चाहते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम और ऑफलाइन सिस्टम और कौन सिस्टम ये केवल डपोरसंखी बात है। इसलिए मैनुअल काम होना चाहिए, एक एक व्यक्ति काम करेगा, लिखेगा, पढ़ेगा, समझेगा, उसमें कोई छूटेगा तो उसमें जोड़ेगा। लेकिन अब ऑनलाइन के नाम पर अब मजदूरों में निराशा है, तो ऐसा लाइन किस काम का जिसमें मजदूरों का निराशा फैले। इसलिए मजदूरों के हृदय में आशा का संचार के लिए हम चाहते हैं कि एक एक मजदूर, एक एक बेरोजगार से संपर्क करे और संपर्क करके उनकी भावना को लिखे और लिख करके पूरे सरकार के सामने, समाज के सामने रखे। धन्यवाद ठाकुर जी। धन्यवाद।